जाके हूँ, किसी जरूरत में मेरे बच्चों की शिक्षा, हाई एजुकेशन, बढ़िया स्कूल में मैं दाखिला दिलाऊँ, इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट से इंग्लिश मीडियम में, और कुछ की कि मेरी आमदनी कम से कम मेरे बैंक बैलेंस वो 5 लाख रुपए, तो वो कैसा आया? फाइनेंस फ्रीडम चाहता है हर व्यक्ति, फाइनेंस फ्रीडम कि हर प्रकार के अपन जो पैसा ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज ना हो अपने पास में, 5-10 लाख रुपए पड़ा हो, तो इसके लिए आप एक आप साइड इनकम का जरिया देख रहे हो। हालांकि शुरू में आप उस चीज को साइड इनकम के तौर पर लोगे, लेकिन जैसे जैसे आमदनी होगी आपको आपकी, तो आप प्रॉपर रूप से ये वर्क करोगे। क्योंकि जैसे पहले सुरेश जी ने, हमारे काफी बेहतरीन लीड रही है, इन्होंने काफी भाग दौड़ की है, ये 15 साल से दोस्तों 15 साल से एक ही जगह सर्विस कर रहे थे, और वहां इनको क्या मिल रहा था, 15,000-17,000 ऐसे कुछ मतलब इंसेंटिव मिला के। तो दोस्तों इन्होंने जब ये प्लान समझा तो इनको कुछ लगा, तो इन्होंने रवि जी से क्वेश्चन किया। उस टाइम में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं भी एक मजाक या तौर पर ले रखा था एजेंसी को, क्योंकि मैंने इसके पावर प्रोटेक्टों के चेक नहीं किए थे। जब तक मैंने फैमिली में घर में यूज नहीं किया तब तक मुझे पता नहीं था एजेंसी है क्या। लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया उस टाइम में इनकी इनकम 16,000 रुपये समथिंग थी आपके, और कुछ एक्स्ट्रा अगर कर देते तो और ग्रो हो जाती, तब इन्होंने INC ज्वाइन किया। INC ज्वाइन करने के बाद इन्होंने पहले प्रोडक्ट खुद यूज किए, फिर इनको पावर का पता चला कि वास्तव में पावर है। फिर इन्होंने जो अपने घर के आसपास बिस्तरे वगैरह उनको सबको प्रोडक्टों की क्वालिटी, प्रोडक्टों के बारे में जिसकी जो समस्या थी उस बीमारी में प्रोडक्ट दिए, तो उनको फायदा आया। तो उन्होंने थोड़ा बिजनेस करने की सोचा कि यार इसके अंदर इनकम का बताओ हमें कि अपन इनकम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज इनके नीचे 16 आउटलेट है, जम्मू के आसपास के आमेर के 16 आउटलेट इनके अंडर में, टोंक के अंदर और आसपास आगरा के अंदर DD वगैरह भी खुलने वाला है इनके नीचे। इनकी शुरुआत इनकम की बात करें अपन, तो ये नॉर्मली अपनी टीम पे, हम पे, मैं इनके नीचे आता हूँ, हालांकि मैं रवि जी का फ्रेंड हूँ, मैं उनके नीचे आता, लेकिन मैंने क्या काम को समझा नहीं, मैंने बिजनेस पावर को समझा नहीं, ये मेरी कमी थी। और जो मेरे जैसे मेरे फ्रेंड है जो मेरे से पहले उन्होंने काम किया वो अच्छी ग्रोथ पे पहुंच चुके, तब मैंने उनका चेक देखा 60-70 हज़ार रुपये की इनकम देखी, तब मैंने देखा ठाना कि यार काम में दम है। और जो ये CNF है जहाँ पर खड़े हैं उस बंदे को मैंने काम करते देखा था 2011 के अंदर, तब उसकी इनकम थी शायद 8-10 हज़ार रुपये, लेकिन आज 5 करोड़ का तो एनीटाइम यहाँ सामान रहता है। धर्मेंद्र चौधरी नाम है उसका, उसका चेक है कम से कम 1-1.5 करोड़ का, तो आपने देखा ही होगा ग्रुप के अंदर। और नॉर्मली इनकम की बात करें तो उसके पैसिव इनकम आपको बताया जाएगा, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, अपन कौन सी इनकम कर रहे हैं वो सारा आपको समझाया जाएगा। अब आज तक जो अपन ने नहीं सीखा वो आज आप यहाँ से सीख के जाओगे कम समय में ज्यादा चीजें, ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सिक्योर कर सकोगे। क्योंकि जो ये बिजनेस है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। अगर सपोज मानो आपने कुछ भी टाइम दिया इस वर्क के अंदर और आपके भगवान ने रास्ता कुछ होना, लेकिन कभी हो जाए तो वो आईडी आपके बच्चे के नाम हो जाएगी और उस पर पैसी इनकम आती रहेगी। जो 2 साल मेहनत की वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक आम का फल मान लो आप, वो जब अपन उगाते हैं तो उसका उसके एक पेड़ उगता है, उस पेड़ में कितने फल होते हैं और वो फल कहाँ कहाँ जाके होंगे, तो वो काम बढ़ता जाएगा, ये रुकने वाला काम नहीं है।